कहीं जैसे आपको यहाँ पर पता है YouTube की तरफ से यहाँ पर शॉर्ट मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पर हमारे पास एक फर्स्ट अपडेट आ गया है जो कि यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए, और वो हम आगे वीडियो में आगे प्रोसेस आपको बताएंगे किस तरह से करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर YouTube की तरफ से एक मेल आया था, वो आप सभी को भी मिला होगा, जिसमें यहाँ पर बताया गया था कि आपको YouTube शॉर्ट से अर्निंग करने के लिए आपको YouTube शॉर्ट मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। तो जिसके लिए आपको YouTube की तरफ से यहाँ पर तीन टर्म्स दी जाएंगी, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तो जो कि इस महीने के लास्ट तक आप सभी को मिल जाएंगी। अभी कुछ लोगों को नहीं मिली होंगी, कुछ लोगों को मिल चुकी होंगी, तो ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और इसके बाद ही आपका जो शॉर्ट मोनेटाइजेशन है स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ से 1 फरवरी से मिलना आपको यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, आपका चैनल जो मोनेटाइज हो जाएगा शॉर्ट, इससे आप इनकम कर सकते हैं। और ये आपको लास्ट जो डेट दी गई है 10 जुलाई तक आपको करना पड़ेगा, मतलब आपका ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आप कोई शॉर्ट से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ बताया गया था, और अभी तक आपको ये मेल वगैरह जो अपडेट नहीं आया है इसका, वो आपको इस महीने के लास्ट तक आपको सभी को मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर अपडेट आया है इसका शॉर्ट मोनेटाइजेशन का, तो इसका मैं आपको लाइव प्रूफ करके यहाँ पर हम वीडियो के जरिए दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर आप मोबाइल और डेस्कटॉप से सेम ही होगा, जो कि आपको बाइटू स्टूडियो से आप कर सकते हैं, जाके वहाँ ऊपर की तरफ आपको अपडेट आ जाएगा, तो दोनों पर सेम ही होता है प्रोसेस। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। गाइज, आपको अपने बाइटू स्टूडियो पर आ जाना है। गाइज, आपको ऊपर तरफ नोटिफिकेशन आ रहा होगा जिसमें एक्शन रिक्वायर्ड किया गया है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट न्यू टर्म्स टू स्टे इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड स्टार्ट अर्निंग शॉर्ट्स एड रेवेन्यू, तो इस तरह का नोटिफिकेशन आ रहा होगा। तो नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन और दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे डिसमिस और रिव्यू एंड एक्सेप्ट का। तो बाई चांस आपका जो यहाँ पर डिसमिस हो जाता है और नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन, आपसे गलती से हट गया, तो यहाँ पर एक साइड में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग डिस्प्ले पर लगा दिए। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक अन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ से भी जाके आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे जाएगा रिव्यू एंड एक्सेप्ट का, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, गलती से आपका डिसमिस हो गया वहाँ से। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, हम यहाँ पर उसके बैटरी स्टूडियो के होम पेज पर आ जाते हैं और इसको हम यहाँ पर रिव्यू एंड एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए आगे जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। आपको रिव्यू एंड एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू टैब खुल जाएगा, तो यहाँ बार स्वैप चेंजिंग करके आ रहा है, तो यहाँ पर आपको स्टेप वन स्टेप टू मुझे दो ऑप्शन आए, हो सकता है आपको तीन आए चार आए, तो वो आपके कंडीशन के अनुसार है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, तो मैं स्टेप वन फॉलो करता हूँ, यहाँ पर रिव्यू करने के लिए मांग रहा है बेस्ट टर्म्स के लिए, तो यहाँ पर मैं रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर पढ़ने के लिए है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपडेट की हैं, तो यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर आप पढ़ना चाहें इसे पढ़ सकते हैं। और नीचे की तरफ आ जाना है आपको स्क्रॉल करके, और जैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक आई एक्सेप्ट द बेस्ट टर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर टिक मार कर देना है, और उसके बाद आपको एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बेस्ट टर्म पर एक ग्रीन मार्क आ जाएगा, और यहाँ पर इसके बाद स्टेप टू पर यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, तो वहाँ पर रिव्यू करने के लिए बोला है बाद पेज टर्म्स, तो इसके भी मैं यहाँ पर रिव्यू कर देता हूँ। और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ही दोबारा फिर से आ गया, तो इसको आपको ऊपर तरफ स्क्रॉल कर देना है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर टिक मार्क करने के लिए आ रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए आ गया है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे दोनों जो यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं, और उसके नीचे की तरफ यहाँ पर जो है सबमिट करने के लिए आ रहा है, तो मैं इस पर भी क्लिक कर देता हूँ, और इस पर क्लिक हो रहा है, तो यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है अभी। तो वह जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम शॉर्ट से आ रहा है, तो ये पूछा कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट से भी अर्निंग करना चाहते हैं तो इसे आप ऑन कर लीजिए, अगर आप बाद में इसे सेट करना चाहते हैं बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पर अभी से आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि 1 फरवरी से यहाँ पर चालू हो रहा है, तो ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे ही अभी ऑन कर देता हूँ, गो टर्न ऑन। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आगे यहाँ पर न्यू पेज आ गया है, तो यहाँ पर एंड फ्रॉम एड्स ये आपका आ गया है प्रीमियम इन शॉर्ट फीड, तो इसे भी मैं ऑन कर देता हूँ। प्रीमियम से भी आपका अगर जब जाता है उस पर, तो वहाँ से भी आपको यहाँ पर अर्न होगा, तो इसके लिए मैं टर्न ऑन इसे भी कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक बार रिव्यू करने के लिए, एक बार और आ गया है, तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट द शॉर्ट फीड, तो ये प्रीमियम के लिए है, अगर आपका वीडियो प्रीमियम पर जाता है फीड में, तो वहाँ से भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट के बटन आया, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सारी जो टर्म्स हैं वो मेरी एक्सेप्ट हो चुकी है, जैसे कि मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में, तो यहाँ पर जो जो कंडीशन दी गई हैं, जो टर्म्स दी, वो मैंने सारी एक्सेप्ट कर ली है, जैसे कि और भी यहाँ पर बाद पेज एड्स है, शॉर्ट फीड का जो अभी था, मेंबरशिप का अगर आपका आया हो, अगर नहीं आया तो आपको मिल जाएगा, और सुपर चैट है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले से एक्टिव कर रखी थी, और अभी तक आपने कोई एक्टिव नहीं की तो आप भी कर सकते हैं वहाँ से जाकर। तो क्या यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक था, जिसमें हमारा यूट्यूब शॉर्ट मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पर जो टर्म्स थी उसे एक्सेप्ट करना था, तो उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ आपको भी ऐसे ही करना है, और अब आपको फिर से अपने डैशबोर्ड पर चले जाना है होम पेज पर। अब आपको यहाँ पर कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह के अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।